तेल कंपनियों ने इस हफ्ते पांचवीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। आज पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए हैं। नई कीमत लागू होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। इससे पहले 22, 23, 25 और 26 मार्च को भी पेट्रोल डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। मार्च महीने में पिछले 6 दिन में महंगाई को बढ़ाने वाले रहे दिन। 22 मार्च से अब तक रसोई गैस और CNG के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, सरकार ने कुछ एक्शन लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। डीजल तो डलवानी है, महंगा हो या सस्ता, बाकी हाँ महंगा तो हो ही रहा है, जेब ढीली होती जा रही है। हर बार ही दाम बढ़ते हैं, थोड़ा सा सरकार इस तरफ देखे, पर वैसे गवर्नमेंट के साथ है हम। थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स घटा दें, अपने जो राज्य की गवर्नमेंट है वो अपने टैक्स थोड़े कम कर दें, तो तेल के दाम घट जाएंगे, क्योंकि एक्साइज इस पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि GST में नहीं है ये, अभी ये वैट में ही चल रहा है और एक्साइज लग रही है, तो एक्साइज ज़्यादा होने की वजह से इसके दाम ज़्यादा हैं। तो मैं राज्य सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि इस पे अपने टैक्स को नीचे लाएँ या इसे GST में कर दें। क्या करें जनता की, बस हालत खराब कर रहे हैं लोग, क्या कर सकते हैं? इम्पैक्टिंग टू मच, द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू गो अप। Not only the petrol price is going up, even the diesel price is going up, due to which all the common man is really affected like anything. All the commodities, the prices are going up. Common man is totally burdened out because of this thing. Government should do something about it. पहले 500 रुपए पेट्रोल डलवाते थे तो कम से कम 7-8 लीटर आ जाता था, अब 500 रुपए का ले रहे हैं तो पूरा 5 लीटर भी नहीं आ रहा। और गुवाहाटी में ईंधन के क्या है रेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुष्मिता दत्ता से। सुष्मिता, गुवाहाटी में पेट्रोल डीजल का मीटर कहां तक चढ़ा है? जी बिल्कुल रविंदर, इस वक्त हम मौजूद हैं गुवाहाटी के ही एक पेट्रोल पंप पे, जहां पर आपको बता रहे हैं आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, पेट्रोल में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ डीजल में 58 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। गुवाहाटी में भी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है लगातार, आज ये पाँचवा दिन है, छः दिन के अंदर ये चौथा दिन है, पांचवा दिन है जहां पर लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। साथ ही साथ महंगाई भी एकदम चरम पर है। लोगों से बातचीत करेंगे, यहां पर लोग मौजूद हैं जी। आजियो पेट्रोल पंप आही से आपने तेल लगोले दाम बढ़ी से की को बोल तो बोल की को हम सब टंकी साइगे ने तेल भरावो लगा से कम बेसे कथा तो दाम आरो साइगे ने की करिम ना बारी एसे दुन এতিয়া দাম কেতিয়া কমিব কি হ'ব এইটো আৰু কি ক'ব ন এপিল এতিয়া আমি কৰিলোঁ কি হ'ব কথাটো কৈছোঁ এতিয়া চাপ'জ কমাবই ক'লোঁ কিন্তু কমাব জানো নকমে বাঢ়ি আছে তো কিমান ধৰ্ণা হৈ গ'ল বা কালি 28-29 না দুদিন চাকা বান্ধৱী দিয়ে হা হা তো এইবিলাক কৰি আছে তো ক'ত হ'ব আৰু কেনেকুৱা হয় এইটো কথা এফেক্ট মানে এতিয়া আগতে 50 টকাত ভৰালে হৈ গৈছিলে এতিয়া 50 টকাৰ ঠাইত 100 টকা ভৰাব লাগে তো এফেক্টটো পৰিছে কিন্তু কামাইটো ইফালে নাই কামাইটো সেই আগৰ নিচিনাই আছে না চেলেৰি বাঢ়িছে না কামাই আছে এনেকুৱা কথা তো এফেক্টটো পৰিছে বহুত পৰিছে মোৰ বুলি নহয় বহুতৰে পৰিছে সেইটো কথাটো তো সেই আৰু এইখিনি ৰবীন্দ্ৰ জৈসে কি আপুনি শুনা लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनके पॉकेट पर असर हुआ है, बिल्कुल लगातार पेट्रोल में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल आम दिनचर्या में बहुत यूज़ होता है, लोग वाहन इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरीके से हो। यहाँ पर पेट्रोल पंप के लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, आज क्या कहेंगे, कितना बढ़ा है? आज पेट्रोल में 55 पैसा बढ़ गया है और डीजल में 58 पैसा। तो कुल आंकड़ा कितना होता है आज? आज टोटल हो गया 9867 पेट्रोल का और डीजल का हो गया 8479। क्या कहेंगे, लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं? हम क्या कहेंगे, जो बढ़ रहा है वो तो रेट लगा होगा जी। नहीं, आप भी पेट्रोल का दाम बढ़ने से सबको दिक्कत है, महंगाई तो बढ़ेगा ही, ये तो बात। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, ऑटो चालक यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि दादा पेट्रोल प्राइस आज ही बढ़ी है। पेट्रोल प्राइस इतना बृद्धि हमें कि कम कह मैं 100 টকা 150 টকা हम कह मानू ना, इतना
মানে যিকোনো বস্তুরে দাম মানে আজি যদি আমি ভাড়া কবাত 100 টকার বাড়ে 120 টকা কব লগা হয় মানুহৰ পৰা গালি খাব লগা হৈছে কিন্তু ইপিনে আপোনাৰ ৰুম ভাড়া বাঢ়ে মানে নিত্য নিত্য বস্তু সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়ে চাউলৰ পৰা আপোনাৰ মাছৰ পৰা চব্জিৰ পৰা অল ইন অল বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে পেট্ৰলৰ নামৰ হৈছে মানুহৰ কব লগা একো নাই মানে এতিয়া মানুহে যিটো বস্তু ভাল সেইটোৱে কৰি আছে গতিকে আমি ক'লে কি হ'ব এতিয়া ধৰক আমি এতিয়া মানুহক কণা নিয়া কৰি আছোঁ বা চাবচ মোৰ এটা ভাড়া লাগিল পল্টন বজাৰত কব লগা হয় 100 টকা যিয়ে 80 টকা গতিকে এটা মানে আমাক এনেকুৱা বেয়াকৈও কয় যে তোমালোকে চুৰ কৰি ডকাটি কৰি পইচা লৈ আছা চাওক আজি 100 টকা পেট্ৰলৰ দাম 15 টকা মোবিলৰ দাম 115 টকা হৈ গৈছে ঘৰ ভাড়া যোজা কৰা আছিল 2000 টকা এতিয়া 5000 টকা কৰি আছে গতিকে কেনেকৈ আমি কেনেকৈ কণ্ডিশ্যনত চলি আছোঁ একদম মানে ভগৱানে জানো আমি জানো আমাৰ কব লগা এইখিনি কথাই মানে উপায় নাই এটা চলিব লগা আমাৰ কোনো ৰাস্তাই নাই এতিয়া আৰু মানে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত মানে কি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টক আমি কি ক'ম মানে মানুহে ভোট দিয়েই আছে গতিকে আমাক হাৰাশাস্তি কৰিয়েই আছে গতিকে আমাক কব লগা একো নাই এতিয়া 200 টকা হ'লেও আমি কৈলাম নাই মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আমি চলিব লগা হৈছে এনেকুৱা হৈছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত দিছোঁ পইচাত হাহাকাৰ হৈছে ক'ৰবাত মানে কিবা এটা ফিজ দিব লগা হ'লে আমাৰ হাহাকাৰ হৈছে ইনকামৰ ওপৰতে হ'ব গতিকে আগৰ পৰা ইনকামো কমি গৈছে একচাম মানুহৰ হাততে পইচা গুচি গৈছে আমাৰ হাতত 100 টকা পইচা নাই গতিকে এই অৱস্থাত আমি চলিব লগা হৈছে এই অৱস্থাত আমাৰ মানে এনেকুৱা দিন পাৰ হৈ গৈ আছে গতিকে মোৰ এইখিনি ক'ব লগা গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আপীল মানে এটা গভৰ্ণমেণ্টে মানে আপোনাৰ যেনেকৈ বস্তু তেলৰ দাম বাঢ়িলে চব বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায় কোনো এটা বস্তুৰ দাম মানে নকমে তেলৰ ওপৰতে চব বস্তু নিৰ্ভৰ কৰে গোটেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত আমাৰ এটাই আবেদন মানে বস্তুবিলাক আমাৰ সুবিধা লাগে আমাৰ মানে ধৰক আজি কিবা এটা এই হেৰি দিলাক 25,000 টকাৰ এটা ডনেশ্যন দিলাক কিবা এই বন্ধনৰ মাৰা হেৰি কৰিলাক 25,000 টকাকে দিব এইবিলাক আমাৰ নালাগে আমাৰ লাগে কি স্কুল কলেজৰ সুবিধা আমাৰ খোৱা লোৱাৰ সুবিধা আমাৰ বস্তুৰ দাম কম মানে এইবিলাকে আমাৰ সুবিধা লাগে বা স্কুলত এটা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আছোঁ যাতে মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ভালকৈ পঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা সুবিধা দিব লাগে বা আমি কিবা এটা বস্তু কিনি খাওঁ তাৰ কাৰণে এটা সুবিধা দিব লাগে মানে এইখিনি আমাৰ সুবিধা লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত আমাৰ ক'ব লগা এইখিনি যে মানে মানুহক কিবা দিলেই সমস্যা সমাধান নহয় আজি ৰাস্তা ঘাট হৈছে ভাল কথা ৰাস্তা ঘাটে মানুহৰ সমস্যা সমাধান হয় নোহোৱা নহয় কিন্তু বাকী যিখিনি কৰিব লগা এইখিনি আমাক কৰিব পৰা নাই মানে আমাক একো দিব পৰা নাই কিন্তু তথাপিও নিদিলেও আমাৰ ক'ব লগা একো নাই ক'লেও আমাৰ কোনো লাভ নাই और भी यहाँ पर ऑटो चालक यहाँ पर सुबह का माहौल है यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं मैं पूछना चाहूँगी आपसे भी की को मतलब कोबो लगा की ऐसे फटाई तो दाम बढ़ी है ऐसे हमारे कोबो लगा ना है सरकारी ये तो अलग मान गुरु দাম বাড়ে মানে এতিয়া চৰকাৰে বা কি কৰি আছে এতিয়া আপোনাৰ এসপ্তাহত 3 বাৰ দাম বাঢ়ি এতিয়া আমাৰ কাৰণেতো অসুবিধা ধনী মানুহখিনিতো ধনী ভাগত চলি আছে আমি যেনেকৈ খাই আছোঁ ডেইলি ইনকাম দেৰি কৰি খাওঁ তেতিয়া আমাৰ অসুবিধা হয় কিন্তু ধনী মানুহ যি ধনী মানুহখিনি আছে সেইখিনিতো খায়ে আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নপৰে পৰে আমাৰ মধ্যবিত্তৰ ওপৰত বেলেগ আৰু কথা নাই জি जी जी सुष्मिता हम समझ पा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है लोग ये भी कह रहे हैं कि चाहे 150 रुपये हो जाए या 200 रुपये हो जाए पेट्रोल डीजल तो खरीदना ही है ये सरकार के ऊपर है कि वो किस तरह से इसे नियंत्रित करती है तो लाचार दिख रहे हैं लोग यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सुष्मिता और ताज़ा हाल बताने के लिए गुवाहाटी में पेट्रोल की कीमत 98.67 रुपये तक हो गई है जबकि डीजल 84 रुपये को पार कर गया है तो इस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है।